प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेच मार्क आते हैं पेट पर, जांघों पर, बाजू पर और ब्रेस्ट पर, उसके लिए आप 5 चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, वेट ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। सेकंड, आपको पानी खूब ज़्यादा पीना है, 1 दिन में 8 से 10 गिलास पानी ही पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और थर्ड, आपको विटामिन सी के फ्रूट्स खाने हैं जिसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। और फोर्थ है कि आपको एक्सरसाइज, हल्की हल्की एक्सरसाइज और हल्की वॉक कंटिन्यू करनी है अपने लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सब करें। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मैंने खुद फॉलो करी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये मत सोचें कि हाँ मेरा अभी तो स्ट्रेच मार्क आ नहीं रहा है तो मैं ठीक है, जब आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सेकेंड मंथ आपका स्टार्ट होता है उसके बाद से आप मेरी बात माने तो नारियल का जो कोकोनट ऑयल है उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब हमारे पेट पे ईचिंग होती है या हमारे ब्रेस्ट साइड में ईचिंग वगैरह होती है उसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं, वो कभी भी नहीं पड़ेंगे। ये चीज़ मैंने खुद ट्राई किया है। और उसके साथ साथ आप सिया बटर, कोका बटर, कोई ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का मंगा सकते हो, जैसे कि मैंने इसका मंगाया है और बहुत अच्छे प्राइस में है ये, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और सर विदाउट ये आप फॉलो करें अपने रूटीन में तो आपको बहुत सही लगेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी स्ट्रेच मार्क की। तो ये मेरी, मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो ये आप ज़रूर फॉलो करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। और मेरी वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट कुछ आप लोगों के लिए अपने टिप्स, जो कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो कर रही हूँ, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।